अब मैं टच करूंगा किसी एक को, आंख खोलना नहीं आपको, और मैं टच फर्स्ट टाइम पूछूंगा कि मैंने आपको कितने बार टच किया, तो वो आपको बताना होगा। अब बताइए आपके कितने बार टच किया मैंने? दोनों। हाँ, जोर से बोलिए। दो बार टच किया। अच्छा, अब आपको बताना है कि कौन से जगह पर टच किया। ओके, सो आप बताइए कौन से जगह पर टच हुआ आपको फील हुआ। आंख खोलिए, आंख खोल दीजिए, बोलिए कौन से जगह पर टच हुआ। यहाँ पर टच हुआ। कितने बार था? दो बार। सो एवरीवन, आज हमारे साथ मिलने के लिए और सामान बाय करने के लिए बहुत दूर से आए हैं हमारा दो दोस्त। कितने किलोमीटर? 165 किलोमीटर दूर से आए हैं सिर्फ सामान लेने के लिए, तो मुझे लगा इन दोनों के साथ कुछ करना चाहिए। अच्छा, आपका दोनों दोस्त है आप? जी जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? सलेमान अली। सलेमान, आपका? टीटन शेख। टीटन शेख। अच्छा, आज मैं हम दोनों के साथ कुछ माइंड कंट्रोल करने वाला हूँ, ठीक है? सो जैसे आपने देखा होगा कि किसी फिल्म में किसी को धक्का मारते तो जुड़वा को दर्द होता है, है ना, ऐसा होता है फिल्म में। सो आज मैं इन दोनों के साथ करने वाला हूँ। आर यू कॉमेडी मी? तो आपका भी खुद का माइंड है, आपका भी खुद का माइंड है। इन दोनों माइंड को हम एक जगह पे लाएंगे और इसको कंट्रोल करेंगे। एक ही माइंड पे दोनों काम करेगा। ये रिसर्च होता है? यस, रियल में होगा और इसका हम दिखाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आज देखेंगे हम कैसे दोनों माइंड एक होगा। एक होता है। ओके, सो पहले अपना हाथ ऐसे सीधा कर लीजिए। ओके, सो मैं कहीं पर आपको टच कर सकता हूँ, आपके कंधे पे, सर पे, आपके हाथ पे, नाक पे, नोज पे, कहीं पर भी हो सकता है। तो आपको फील करना है, और जब मैं पूछूंगा कहाँ पर टच किया तो उस टाइम पे मुझे क्लियर करना है हाथ उठा के। ठीक है? ओके, सो क्लोज योर आइज। ओके, मैं अभी टच करने वाला हूँ किसी एक को, और हाँ ठीक है, अभी बताना नहीं है, जब तक मैं पूछूंगा नहीं तब तक नहीं उठाना है। ठीक है, मैं पूछूंगा किसको टच किया तब उठाना है। ओके, सो आप दोनों को माइंड, आंख बंद कर लिए। अब आप लोगों को माइंड में ये सोचना है कि आपका माइंड और आपके दोस्त का माइंड एक है, दोनों का माइंड एक है, दोनों का अलग अलग माइंड नहीं है, एक ही माइंड से आप काम कर रहे हैं। और मैं जब पूछूंगा तब वो बताएगा कि कितने बार टच किया, और फिर मैं उनको पूछने वाला हूँ। फर्स्ट टाइम मैं पूछूंगा किसको टच किया, वो हाथ उठाइए। ओ, दोनों को? ओके, आप हाथ नीचे कर दीजिए। अब मैं टच करूंगा किसी एक को, आंख खोलना नहीं आपको, और मैं टच फर्स्ट टाइम पूछूंगा कि मैंने आपको कितने बार टच किया, तो वो आपको बताना होगा। आप बताइए आपके कितने बार टच किया मैंने? दोनों। हाँ, जोर से बोलिए। दो बार टच किया। अच्छा, अब आपको बताना है कि कौन सी जगह पर टच किया। ओके, सो आप बताइए कौन सी जगह पर टच हुआ आपको फील हुआ। आंख खोलिए, आंख खोल दीजिए, बोलिए कौन सी जगह पर टच हुआ। यहाँ पर टच हुआ। कितने बार था? दो बार। अच्छा, अब आप देखिए दोनों का माइंड एक ही है, अभी भी एक कंट्रोल है। अच्छा, हाथ नीचे कर लीजिए। अब देखिए आपका माइंड किस तरीके से काम कर रहा है, दोनों को दिखाना जरूरी है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, मेरे पास से वन टेक ऑफ कार्ड्स। अब दोनों का माइंड एक साथ चल रहा है, उसका थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। ठीक है, किस तरीके से हो रहा है, कैसे काम कर रहा है। मेरे पास से वन टेक ऑफ कार्ड्स, ऑल आर डिफरेंट। यस, आप देख लीजिए कार्ड के बारे में आपको बताएं। ओके, आपको करना क्या है, कहीं पर भी स्टॉप बोलना है। स्टॉप। ओके, और इस कार्ड को आपको देख लेना है। देख लिया? देख लिया। ओके, याद रखना है आप कहीं पर भी स्टॉप बोल सकते हैं रैंडमली। स्टॉप। ये कार्ड आप देख लीजिए। ओके, देख लिए आप, आपने कार्ड देखा। मुझे नहीं पता आपने कहाँ स्टॉप बोला, कौन सा कार्ड देखा, मुझे नहीं पता। अच्छा, फर्स्ट टाइम अपना दोनों आंख बंद कर लीजिए, कैमरे की तरफ रखिए। ओके, और आंख बंद कर लीजिए। आप अपने कार्ड्स का कलर के बारे में सोचिए, दोनों बोलना नहीं है। ठीक है, कैसे आपका माइंड एक हो गया वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो जस्ट कलर के बारे में सोचिए, कलर के बारे में सोचिए, और आप सोचिए उस कलर के बारे में, आप भी सोचिए उस कलर के बारे में जो कार्ड्स आपने देखा है। और फर्स्ट टाइम आई होप कि आप दोनों का कलर कुछ ऐसा होने वाला है। ओके, फर्स्ट टाइम मैं आपसे पूछूंगा, सर आप बताओ जिसको मैंने टच किया आपका कौन सा कलर था? रेड। आपका? रेड। गुड, नाइस, एक ही जगह पर है माइंड। अच्छा, आप देखते हैं, फर्स्ट टाइम आप नंबर के बारे में सोचिए, आंख बंद कीजिए और नंबर के बारे में बताइए। नंबर के बारे में सोचिए, आप भी नंबर के बारे में सोचिए आपके नंबर के बारे में। ओके, फर्स्ट टाइम मैंने एक कार्ड यहाँ से बाहर कर लिया। अब फर्स्ट टाइम आप लोगों को पूछूंगा कौन सा नंबर का कार्ड था आपका? 9। आपका? 9। अच्छा, डिजाइन के बारे में सोचते हैं। एक होता है हार्ट्स, रेड में होता है हार्ट्स और डायमंड। ठीक है, हार्ट्स होता है हार्ट शेप और डायमंड होता है चौकन साइज में। अच्छा, फर्स्ट टाइम आंख बंद ओपन कर लीजिए दोनों, और फर्स्ट टाइम दोनों आप ओपन कर लीजिए, आंख ओपन कीजिए और फर्स्ट टाइम मुझे बताइए आपका कार्ड का नंबर क्या था? 9 ऑफ हार्ट्स या डायमंड? ये देखा था शायद आपने, डायमंड देखा था। यही देखा? यही था, डायमंड देखा था। दोनों का माइंड एक ही सम चल रहा है। आपने यही कार्ड देखा था ना? यही कार्ड देखा। आपने भी देखा था? मेरे को मालूम नहीं जो हार्ट होता है या डायमंड होता है, बट यही देखा था आपने। यस, यही देखा। तो दोनों ने एक कैसे कार्ड देखा आप लोगों ने? 52 कार्ड था। आप दोनों का माइंड सेम चल रहा है, आप भी जो देख रहे हैं वो आप भी देख रहे हैं। आपको फील कर रहा हूँ, टच कर रहा हूँ तो आपको फील हो रहा है। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है। मेनली बात, मैंने आपको टच नहीं किया था फर्स्ट टाइम। इनको पूछिए, मैंने आपको इनको टच किया था? जी जी ना। इन्होंने आंख खोल के देखा, मैंने इसको टच किया, आपको फील हुआ?
लेकिन कार्ड इसने जो देखा आपने भी वो देखा, सेम देखा। अभी आपको पता चलेगा जब आप इस वीडियो को देखेंगे तब पता चलेगा कि रियल में आपके साथ हुआ क्या है, मैजिक आपके साथ हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस। इस इफेक्ट का नाम है 2-in-1, यानी कि दोनों माइंड को एक तरीके से कंट्रोल करना। इसको कहते हैं हम माइंड रीडिंग या माइंड कंट्रोलिंग। सो ऐसे अगर आपको इफेक्ट सीखना हो या माइंड रीड करना हो तो आपको सबसे पहले माइंड रीडिंग के बेसिक चीज के बारे में जानकारी लेना होगा, तभी आप एक प्रॉपरली माइंड रीडर बन सकते हैं, एक माइंड रीडिंग क्रिएटर बन सकते हैं। तो ये सारे चीज करने के लिए आपको बेसिक से शुरू करना होगा, और मैंने बेसिक माइंड रीडिंग कोर्स काफी पहले लॉन्च कर दिया है, सबसे पहले आपको वो ज्वाइन कर लेना होगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर आप डायरेक्टली हमारे कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, या कोई भी जानकारी लेने के लिए दिए हुए नंबर से आप व्हाट्सएप करके यहां से डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं।